जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक मनी मंत्र में। जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का पंचांग 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि चित्रा नामक नक्षत्र आज होगी। आज का राहु काल दोपहर 12:21 से दोपहर 1:57 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा, यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो तिल और धनिया खाकर घर से बाहर जाएं, लाभकारी होगा। मित्रों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डिटेल और अपने क्वेश्चन के साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, आज का राशिफल जान लेते हैं। मकर राशि, आज स्वयं को भौतिक चीजों के मोह में फंसा अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कसकर ना पकड़ें। बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है, सहज बने रहें। जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते आप अपना नजरिया दृढ़ ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा। स्वास्थ्य और कल्याण, आपको वजन ना बढ़ने देने के लिए विशेष परिश्रम करना होगा। आप पाएंगे कि अपनी डाइट पर नियंत्रण के बावजूद आपको भारीपन महसूस हो रहा है। आप पर एक तरह का आलस सा छा जाएगा जिससे आप थका तथा अजीब सा महसूस करेंगे। असल में यह आपके शरीर से अधिक मन की समस्या है। ध्यान तथा मन को एकाग्र करने के अन्य तरीके से आप हल्का महसूस करेंगे। प्यार और संबंध, आप काफी संबंधों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और अब छोटे छोटे संबंधों से बोर हो चुके हैं। अब आपको अपने निजी दायरे में वापस आ जाना चाहिए जहां कोई झांक भी ना सके। अगर आप किसी संबंध से परेशान हो चुके हैं और इससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो अपने साथी को इस बारे में बताकर छोटा सा ब्रेक तो ले ही सकते हैं। करियर और धन, आज आप अपने आप पर संदेह कर सकते हैं और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह सब आपके असुरक्षित व्यवहार की वजह से है जिसे आपको नियंत्रण करना होगा। एक गहरे स्तर पर दूसरों के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। इससे न केवल आप उन लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकेंगे बल्कि आप कार्यप्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे और आपको अपनी बहुमूल्य स्थिति के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी। उपाय, पारिवारिक जीवन में खुशहाली के लिए अपने इष्ट देव की लोहे की मूर्ति बनवाकर उनकी पूजा करें। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें अपनी प्रॉब्लम कमेंट में बताएं ताकि हम आपके लिए उपाय बता पाएं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।